से तो ज्ञान ज्ञान गुरु हमारे हम आए शरण तिहारी हम आए शरण तिहारी गुरु चरणों में ये अर्जी है गुरु चरणों में ये अर्जी है आगे प्रभु आपकी मर्जी है आगे प्रभु आपकी मर्जी है गुरु कृपा मिले तो जागे भाग्य हमारे गुरु कृपा मिले तो जागे भाग्य हमारे हम आए शरण तिहारी हम आए शरण तिहारी अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे हम आए शरण तिहारी हम आए शरण तिहारी एक महिमा है अभी अनुभव एक महिमा अनुभव है जो सोच रहा था अभी बताने की तो एक दो दिन पहले क्या हुआ रात में गए हम लोग सोचा एक जगह जाएंगे ट्रैक करके रात में तो बहुत कई साल हो गए थे वहां गए नहीं थे हमने चलो वहां चलते हैं खाने आने और कुछ ऐसा हुआ रास्ते में निकले तो हाईवे पे जो रास्ता पड़ता बहुत जाम तो बीच में समझ में आया कि जा नहीं पाएंगे तो ये उस दौरान एकदम से सत्संग की बात चमकी दिमाग में कि इसमें कोई भलाई होगी तो मतलब खराब मत करो मन अपना कि बहुत सारे बार जा रहे हैं सोचा है जो भी है वो ठीक है समय भी लगा और अंदर अंदर ये चलता रहा कि भाई ठीक रहे मन इस समय ठीक रहे दिमाग ज्यादा कुड़बुड़ कुड़बुड़ ना करे वरना कहीं और भी जाने तो उसमें कुड़बुड़ कुड़बुड़ करते रहेंगे मजा कहीं भी नहीं आएगा फिर घूम फिर के वापस घर के पास ही एक जगह थी वहीं बैठ गए तो उस समय बाद में मतलब महसूस हुआ कि ये एक आध घंटा जो लगा जो कि नहीं लगना था वो लगा वैसे भी लेकिन ज्ञान जो सुनते हैं रोज सत्संग में वो दिमाग में रहा और आया विचार तो थोड़ा संभल गए थोड़ी देर हुआ भी लेकिन और यही लगा कि देखो सही बात है वो जो होना है वो होगा अगर जो भी था भलाई है समझ लो दिल को बहलाना समझ लो जो भी समझ लो उसमें लेकिन आराम हो गया वरना वही समय बड़ा मतलब परेशान होके निकलता कई बार ये लगता है प्रार्थना अंदर से आती गुरु जी की बाकी समय भी ऐसे ही रहे जो बाकी समय भी हम लोग कर जाते हैं कई बार फिसल जाते हैं तो वही सब मतलब आता है कई बार लोग सुनते हैं भाई तो थोड़ा उस पे चले अंदर प्रार्थना यही तो प्रैक्टिस है बेटा वो रहता है ऐसा अंदर से रहता है प्रार्थना की हर पल जिसे कहते हैं वो हर समय रहता है कि हर पल ये भी नहीं कि सिर्फ सुबह थोड़ा घंटा एक डेढ़ घंटा वाली बात है तो ये सब चीज सत्संग से ही समझ में आ रही है धीरे धीरे कि ये जो है सब हर समय सही बहुत सही बात सही बात आप लोगों को जो है ना कुछ कुछ देह से अलग हट के सोचने का विचार मिलता है आप नहीं तो हम लोग ये विचार ही नहीं पाए थे पहले तो जो बस नहीं हो रहा है हमारे मन का उसमें से तकलीफ में आना मालूम था तकलीफ में आके बोले सब बिगाड़ देते थे अपने मन का कपड़ा नहीं मिला तो उसमें बिगाड़ लिया जा रहे फंक्शन में तो बिगाड़ लिया मन किसी तो घूमने जा रहे वहां बिगाड़ लेते थे मन जरा सा उसने मेरी बात नहीं सुनी तो बिगाड़ लिए तो पकड़ के बैठे हैं फोटो खिंचाने के लिए स्माइलिंग फेस कर देते हैं चार लोग देखेंगे तो क्या होगा अन्यथा कितना कुड़कुड़ 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 है भगवान हर समय कलह क्लेश और कुछ नहीं और कलह क्लेश इसलिए सच्चाई अच्छाई के दम हमें सही गलत के दम हमें वो बोले दम रही तो रहता है और कुछ उसमें जो आनंद है वो खत्म नहीं तो हर स्थिति को स्वीकारने लगे जाओ हर हर उसमें हर स्थिति में
तो बस देखो कितना आनंद और कितनी शांति और कितनी सरलता रहती है, कहीं स्वीकृत ही नहीं, दिक्कत नहीं है। यही अभ्यास करना है, रातों में करना है। तुम खाली भगवान भगवान करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। भगवान से ज्यादा मनुष्य को यदि कोई चीज त्यागी सकती है तो भगवान कह नहीं पा। तुम्हारा मन उल्टा उल्टा चलता दुखी अच्छा है जिसमें भगवान का भजन हो पाता। दुख दारू सुख हो दुख मित्र है जो भाग्यशाली है, इसलिए भगवान दुख पर पत्ता अपने भक्त को लगाए है ताकि वो भगवान को न। सुख में तो मनुष्य अहंकार में बदला रहता है, घर में शांति ही शांति हो तो उपरांता नहीं आती, तब सुख हो आराम हो तब करो भगवान की याद तो हम देखें। इसलिए दुख का कांटा भगवान अपने भक्त के कक्ष में डाल देता हूं। कांटा अच्छा होता है ताकि मनुष्य बैठ। पहली बात यह है कि जब इंसान दुख में होता है तो ज्यादातर ये देखा गया है कि परमात्मा को याद, लेकिन अगर उसको सारा सुख हो और तब भी परमात्मा को याद करो तो ये बहुत अच्छा। इसका मतलब ये बात हमेशा हमेशा हर पल हर दिन हर पास आते जाते पास परमात्मा परमात्मा को याद। और ये कभी होगा जब आप हमेशा परमात्मा के ध्यान में डूबे, तो चाहे दुख हो या सुख हो तो भगवान को दुख का पाटा लगाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सुख में भी परमात्मा को याद। तो ऐसी आपकी स्थिति हो जाए कि जबकि हमेशा ही वो परमात्मा के ध्यान में डूबा और इस संसार में आए हैं तो आपकी ड्यूटी को पढ़ने और ड्यूटी जो करे जो भी है उसके कर्म है जो भी वो ड्यूटी करता है उससे भगवान खुश होते हैं प्रसन्न होते, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि संसार में जो परमात्मा ने हमको भेजा है तो उसका कोई पर्पज है। हम हमेशा ये सोचते रहते थे बचपन से हमारे दिमाग में ये आता कि क्या पर्पज है, हम यहाँ क्यों आए, हम यहाँ संसार में क्यों पैदा हुए और फिर पैदा हुए हैं और कुछ सालों के अपने कर्म करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली इसका पर्पज क्या है, क्यों हम आते हैं, क्या बात है, ऐसा क्या है। तो बहुत सुनता था मैं, बहुत उसको समझने की कोशिश करता था कि क्या है, लेकिन यही समझ में आया कि ये परमात्मा का खेल वो जो हमें खिला रहा है, तो ऊपर बैठा जो जैसे कि कोई डायरेक्टर होता है और हम लोग ऑफिस और हमको रोल दिया गया और वो देखता रहता है कि हम अपना रोल अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हमें घुमाता रहता है। और इस संसार पे मैं ये समझता हूँ कि जब आप ऊपर उठिए जैसे आप हवाई जहाज में जा रहे हैं आप नीचे देखते तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये मकान है ये फर्क है ये ऐसा हो रहा है, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या है शहर क्या है। लेकिन अगर आप उसी शहर में घूमते रहिए तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसका मतलब ये हुआ कि मैं समझता कि आदमी जो ऊपर करके ऊपर उठना चाहिए, जब तक आदमी ऊपर नहीं उठेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि संसार को जो भी ये संसार चलाए मान चल रहा इसको एक बार छोड़ कर इसको एक बार छोड़ कर अपने आप को क्या है, तभी उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी और वो परमात्मा का ये होगा कि गॉड की एग्जिस्टेंस है, कोई ना कोई सुपर पावर है जो हमें चला रहा है।
कितने मजहब है, कितने उनकी सोच है, क्या क्या है, लोग किसी को मानते हैं किसी को मानते हैं, लेकिन असली बात यह है कि हर आदमी के दिमाग में क्या आता है कि कोई ना कोई तो है जो संसार को चला रहा है। अगर आपको परमात्मा को जानना हो तो मैं समझता हूँ कि आप प्रकृति में हैं। जो साधु लोग होते थे जो जंगल में चले जाते थे तपस्या करते, बिना कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसी करीब जाए और आप उसको उसकी माया देखेंगे परमात्मा को, एक एक फूल, एक एक पौधा, एक एक पत्ता, तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी सुपर पावर है जिसने ये सारी और ये सारी जो माया इसके ही रास्ते हम पर यही है जो कुछ भी है। तो ऐसा ही मेरा मानना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भगवान से परमात्मा से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो मेरा अपना संकल्प कुछ ना मांगो। ऐसा हो जैसे आप कश्ती में बैठे हो और पतवार आपके हाथ में और जिस दो के अंदर आप कश्ती बैठी है बह जाए, परमात्मा आपको जहां ले जाता है ले जाए, ना उससे कुछ शिकायत करिए, ना शिकवा करिए, ना उससे कुछ मांगिए, क्योंकि मांगने का मतलब ये हुआ कि आप इस संसार के अंदर माया जाल के अंदर फंसे हुए, तो आपको कभी दुख है, कुछ चाहिए, कुछ ये चाहिए, तो आप परमात्मा से हमेशा मांगते हैं कि भाई हे परमात्मा आज आज क्या जो है वो बच्चा पास हो जाए स्कूल में और ये हो जाए पापा हो जाए मेरे पास पैसा आ जाए ये आ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप मांगते ही रहते तो इसका मतलब ये है कि आप संसार के माया जाल से बाहर निकलेंगे, माया जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप कुछ ना मांगिए, जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिखा है ये जैसा होगा उसको मैं करूंगी। हाँ, परमात्मा की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि करना बहुत जरूरी है वो इसलिए कि एक परमात्मा मेरे को मुक्त आपने संसार में मेरे को भेजा है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे को मुक्त, और मेरे को मुक्त कैसे मिलेगा? जैसे बैंक में किसी का खाता होता है, आपने कोई अच्छा काम किया तो वो जमा हो जाता है, और आपने कुछ भी गलत किया तो उसके चक्कर आता है। तो हमको ये करना चाहिए कि हमारी मुक्ति तब होगी जब हमारा खाता जीरो होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी जी कहते थे कि जो भी कर्म करो वो निष्काम। अगर आपने थोड़ा सा भी ये बोला कह रहे ये गरीब आदमी है मैं इसको मदद दे देता हूँ, मैं इसको कुछ पैसा दे देता हूँ, तो मेरा भला होता है। जहाँ आपने ये बात सोची कि मेरा भला हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने निष्काम कर्म नहीं, और वो जो आपने अच्छा काम भी किया वो आपके खाते में जमा। तो हमको ये चाहिए, तो मैं समझता हूँ निष्काम कर्म करके कर्म करो, लेकिन उसका मनन ना, कर्म करके अपना खाता जीरो करो। और मेरे मेरा ऐसा ख्याल है कि जब आदमी का खाता जीरो हो जाएगा उसका कुछ भी नहीं होगा, तभी इंसान की बुद्धि। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारे हमारे हिंदू मजहब में ये है कि बर्थ होता है, रीबर्थ होता है, हम जो अपना कर्म कर रहे हैं उसका आपको करना चाहिए, चलो कभी करेंगे तो अच्छे करेंगे, तो इसका मतलब जन्म मरण के चक्कर में हम हमेशा पड़े रहते हैं। आप किसी से भी पूछिए कि क्या तुम चाहते हो कि जो जीवन तुमने यहाँ पारा है तुम्हारे बाल हो गए, क्या तुम उसको रिपीट करना चाहोगे? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ये कहेगा आज मैं रिपीट। रीजन ये है कि जब मनुष्य है संसार के अंदर दुख भी है सुख भी है और कितने झमेले हैं, लेकिन वो सब उसके पार होता है या जो
उसको पूछिए क्या तुम अगले जन्म के अंदर या ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है इसको तुम रिपीट करना चाहोगे, वो नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपनी मृत्यु चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन बढ़े, हम नहीं चाहते हैं कि जन्म जन्म के संसार में आते रहे, झमेले में पड़ते रहे और उस झमेले के अंदर जो है उसके अंदर हम ये कभी नहीं चाहेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी मुक्ति हो, और वो मुक्ति कब होगी, जब हमारा खाता जीरो हो जाएगा।